हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली के अंदर आप भी अपने दुकान का या जो भी आपकी फॉर्म है उसका लोगो प्रिंट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको वो तरीका बता दूंगा कि कैसे लोगो प्रिंट करना। चलिए बता ही देता हूं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी आपका लोगो है उस वो आपके पास होना चाहिए, आप बना लीजिएगा उस लोगो को। और बनाने के बाद क्या करना है, जैसे उस लोगो को बनाएंगे तो आपको अपने टैली की लोकेशन फाइल तक पहुंचना होगा। जैसे हमारे में ये देख सकते हैं, ये डेस्कटॉप है हमारा और यहां से नीचे आकर के ये ई के अंदर हमारी टैली की फाइल लोकेटेड है। ठीक है, तो जो भी आपका लोगो है उसको यहां पर पेस्ट करना है। ठीक है, कंट्रोल बी करके यहां पे पेस्ट करिएगा। ठीक है, और जैसे ही पेस्ट करेंगे तो यहां पर आपका लोगो आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर मैं अगर कंट्रोल बी करता हूं तो यहां पर हमारा लोगो पेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमारा लोगो कहां पर है, तो ये हमारा लोगो है, देख सकते हैं, ये मैं दिखा भी देता हूं ओपन करके, ये हमारा लोगो है। ठीक है, इंस्टीट्यूट का, तो ये मैंने लगा दिया यहां पर। ठीक है, यानी पेस्ट कर दिया। इस पाथ पर पेस्ट करना है जहां पर आपकी टैली फाइल सिचुएटेड होगी, शायद आपके में सी में हो, सी ड्राइव में, तो वहां पर आप इसको पेस्ट कीजिएगा। टैली के फोल्डर में ही आपको ये पेस्ट करना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, इस पाथ को आपको कॉपी करना है। ये देखिए, ये हमारा पाथ है, यहां पर जाकर के राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लीजिएगा। और कॉपी करके अब आपको टैली प्राइम को ओपन करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार टैली प्राइम को यहां से ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा टैली प्राइम है, इसे मैं ओपन कर रहा हूं, देख सकते हैं ये टैली प्राइम ओपन हो रहा है। और ओपन होने के बाद जो जब हम एंट्री पास करेंगे, तो एंट्री पास करने से पहले कुछ काम करना है हमको, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए अब देखिए, आपको जाना है यहाँ प्रिंट पर, ये प्रिंट दिख रहा है, यहां पर आइएगा और नीचे आइएगा कॉन्फिग्रेशन पर, ये कॉन्फिग्रेशन पे आइएगा और यहां पर डबल क्लिक करिएगा ताकि और भी चीजें शो हो जाए। और उसके बाद यहां पर आपको देखना होगा कि यहां पर आपको लोगो वाला कहां पे दिखाई दे रहा है, तो देखिए ये दिया हुआ है इंक्लूड कंपनी लोगो, तो इसको यस करना है। यहाँ पर ये यस कर दिया और जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे इमेज फाइल का नेम और पाथ आता है। तो यहाँ पर पाथ मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल ऑल्ट और बी का यूज कर सकते हैं। और जैसे ही पेस्ट करेंगे तो पेस्ट करने के बाद जब आप एंट्री पास करेंगे कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सेल्स में एंट्री पास कर रहा हूँ, तो एंटर करके यहाँ पर ये पहले तो ये वाउचर नंबर मैं चेंज कर देता हूँ, तो ये चेंज किया, एंटर किया, रेफरेंस नंबर जो है ये डाल दिया हमने, यहाँ पर आए और यहाँ पर मान लीजिए डेटर पार्टी की बात हो रही है, एंटर किया एंटर किया एंटर किया, एंटर करने के बाद इस तरीके से आ जाएंगे नीचे और यहाँ पर सेल्स का लेजर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपको सेल करना है, जैसे बासमती राइस है तो इसको सेल करते हैं, तो 500 किलो हम सेल कर रहे हैं, रेट क्या है 90 रुपए किलो के हिसाब से सेल कर रहे हैं और ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, IGST आएगा, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट की बात है, तो ये लगा दिया हमने IGST। यहाँ पर हम लिख देते हैं नरेशन, द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब कि उधार में ये बेचा जा रहा है, ये हमने लिख भी दिया और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। अब ये हमारी एंट्री पास हो गई, लेकिन कैसे पता कि लोगो प्रिंट हुआ या नहीं, तो यहाँ पर बाहर आना है गेटवे ऑफ टैली, टैली की मेन मेन्यू पर, और मेन मेन्यू पे आने के बाद यहाँ पर दो बार डी प्रेस करना है। जैसे ही डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा, जो हमारा जो हमने एंट्री पास करी थी वो एंट्री आपको दिख जाएगी, ये देख सकते हैं ये हमारी एंट्री है। और यहाँ पर आपको अल्ट पी करना है और एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आई बटन प्रीव्यू के लिए प्रेस करना है, और जैसे ही प्रीव्यू के लिए आई बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको लोगो शो होने लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पे लोगो आ भी रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी।